फसल क्रांति के प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज हम मौजूद हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में और जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कृषि मशीनरी की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूसा के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियर अनुराग कुशवाहा जी। आइए जानते हैं इनसे जो आज की आधुनिक मशीनें हैं उनके बारे में। डॉक्टर साहब सबसे पहले जी, मैं अनुराग कुशवाहा टेक्निकल स्टाफ हूँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन में IRI। जी सर, कौन कौन सी मशीनरी जो है आप यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो प्रदर्शनी में लगाई सर? अभी जिस मशीन के सामने हम खड़े हुए हैं ये आपका ट्रेडिशनल सीड ड्रिल का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ट्रेडिशनल सीड ड्रिल जब किसान खरीदने जाता है तो उसको ऑन एन एवरेज 60 से 80 हज़ार रुपये की कॉस्ट पड़ती है, पर ये हमारे डिवीजन के ही एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर HL कुशवाहा सर, उनकी तरफ से ये डेवलप किया गया है रिसर्च के साथ। ये आपका सबसे अच्छा इसका जो है बेनिफिट ये है कि आपका ये कल्टीवेटर के साथ हर जगह हर किसान अपने साथ रखते हैं अपने घर पे, उसके पीछे आप अटैच करके इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ आपके ट्रेडिशनल सीड ड्रिल 60 से 80 हज़ार की पड़ती है, इसकी अभी जो हमने कास्ट एस्टिमेट की है 25 हज़ार या उससे कम की है। सर अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर मशीनरी है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, जैसा आपने बताया कि इसकी कीमत 25,000 रुपये रखी गई है, तो 25,000 रुपये और जो ऑन एन एवरेज जो अगर हम ब्रांडेड मशीन की बात कर लेते हैं तो वो 60,000 से 1 लाख के ऊपर तक जाती है, तो इस क्या इसका कमर्शियलाइजेशन अभी तक हो चुका है या किस स्टेज पे है? अभी सर इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, हम किसान मेला में फर्स्ट टाइम जो है आपका डिस्प्ले में रखा है। तो यहाँ किसान मेला में किसानों के साथ साथ कई सारे जो है आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, एक दो लोग आए हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी मांगी है, तो जितनी भी जानकारी हमने उनको प्रोवाइड की है, अब अगर इससे रिलेटेड वो इंटरेस्ट रखते हैं या उनको इसका प्रोडक्शन करना है तो ये हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन में डॉक्टर HL कुशवाहा सर से संपर्क करके इसकी जो भी तकनीकी है वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इसका जो है ये रहता है वो भी जान सकते हैं। तो और जैसा मैं आपको बता रहा था पिछले कि ये इसका विकल्प है, इसके कुछ कुछ फीचर आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये आपका एक सिंपल सा हॉपर टाइप का इसका बोलिए, अभी ये इसके पीछे जुड़ा हुआ है, इसको आप खोल के, वो आपका खुला हुआ रखा हुआ भी है का खोल के हमने रखा हुआ है, इसका ये डिटैच भी कर सकते हैं, ये आपका अलग पोर्शन चला जाता है, ये आपका अलग पोर्शन चला जाता है, पूरा पूरा आप इसको अलग करके रख सकते हो। इसको अलग करने के बाद इस तरह का एक बक्सा या आपको बॉक्स दिया जाएगा, इसके अंदर आप स्टोर करके एक छोटी सी जगह पर रख सकते हो, मतलब जहां आपकी वो उतना सा स्पेस घेरती थी उसको सेफ्टी के साथ रखने के लिए आपको पूरा कवर करना होता था, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इसको खोल अपना यूज करिए, यूज करने के बाद खोल के उसको बक्से के अंदर रख लिए, जैसे इसमें दिखाया गया ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसके अंदर रख के आप अपना स्टोर कर दीजिए, काम खत्म। कैरी करने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है? ज़्यादा कोई झंझट नहीं, इसका वेट भी जो है हद से हद अभी जो है 25 से 27 किलो है, जो आराम से आदमी अपनी बाइक के पीछे बैठ के कैरी कर सकता है या आप चाहो तो बस या जैसे भी आप लेके जा सकते हो। वहीं सीड ड्रिल को अगर आपको लेके जाना है आप ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हो उसके बाद उसको लेके जाते हो, तो ऐसी कोई समस्या इसके साथ नहीं आती है। इसके अलावा और किन किन फसलों की इससे बुआई की जा सकती है? इसकी अभी हमने जो इसका अभी यूज कर रहे हैं ये 5 फसलें जिनमें दाल हो गई आपकी, मुख्यतः गेहूँ है, सरसों है, इनके लिए हम यूज करते हैं। बाकी केवल और केवल इसका ये रोलर चेंज करने का रहता है, इसको आप चेंज करिए और उस हिसाब से आप और भी फसलों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ अनुराग कुशवाहा जी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जिन्होंने बताया इस मशीनरी के बारे में कि क्या क्या इसकी खासियतें हैं और किस तरीके से यह काम करता है। हालांकि इस मशीन का फ़िलहाल कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द हो सकता है इसका कमर्शलाइजेशन हो जाए और किसानों को जो है बहुत कम कीमत में एक अच्छी मशीनरी मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए फसल क्रांति, तब तक के लिए नमस्कार।